क्वेश्चन नंबर 25। इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री कोमा एंगल एसीबी इक्वल टू 31 डिग्री फाइंड एंगल बीडीसी। तो इसमें टू एंगल गिवन है, एक है 69 और एक 39, और हमें इसमें फाइंड करना है बीडीसी, इस वाले एंगल को फाइंड करना है। तो पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले इस एंगल ए को फाइंड कर लेते हैं, और ये एंगल ए और डी बोथ सेम सेगमेंट पे फॉर्म हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें ये एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी है 69 डिग्री और एंगल सी है 31 डिग्री इक्वल टू 180। तो ये एंगल ए हमारा फाइंड हो गया 80 डिग्री, और हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, बिकॉज वी नो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सो बी टी सी इक्वल टू, ये हमने ये बी एस सी ये फाइंड किया है 80 डिग्री, तो हमारा बी डी सी भी होगा 80 डिग्री आंसर।